नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों को जानते हैं, जिसमें हम जानेंगे बिहार में किस तरह अब स्मार्ट तरीके से बिजली का बिल भर सकते हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल के निधन के बारे में, सूचना भवन में खुला लोक सेवा केंद्र, राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन शुरू, 20 किलो से ज्यादा कचरा निकलने पर अब खुद सफाई करनी होगी, राज्य के 1,20,00,000 जीविका दीदियों का होगा बीमा, नए साल में और महंगी होगी बिजली की दर, राज्य में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का होगा मास्टर प्लान, साथ ही जानेंगे कि बिहार में अब रोजगार देने के लिए होगा सिंगल विंडो सिस्टम, राज्य में कोरोना अपडेट और LPG सिलेंडर पर बढ़ने वाली कीमत के बारे में। तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी ये जरूर बताएं कि बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की तरफ से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। तो आज की सबसे पहली खबर, बिहार के पूर्व राल बूटा सिंह के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया शोक, कहा देश ने एक वरिष्ठ नेता को खो दिया। जी हां, बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार बूटा सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। बूटा सिंह ने 8 बार लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में गृह, कृषि, रेल और संचार तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ ही साल 2004 से लेकर 2006 तक बिहार के राज्यपाल का दायित्व संभाला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बूटा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में सीएम नीतीश ने कहा कि देश ने एक वरिष्ठ नेता को खो दिया है। बूटा सिंह को 2005 में बिहार विधानसभा भंग करने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के कदम की तीखी आलोचना की थी। सूचना भवन में खुला लोक सेवा केंद्र, कहे के प्रमाण पत्र बनेंगे, पटना सहित बिहार के सभी जिलों के लिए हो सकेगा आवेदन। जी हां, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना भवन में नए लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। इस लोक सेवा केंद्र पर पटना जिला सहित राज्य के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, राज्य नॉन क्रिमिलेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। राज्य के किसी भी अंचल से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि कोई आवेदन पत्र दिया गया है तो उसकी पावती को दिखाकर इस केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी सुविधाएं बिल्कुल निशुल्क है। इस लोक सेवा काउंटर से पटना शहरी क्षेत्र के निवासियों को सेवाओं का प्राप्त करने का एक और अच्छा विकल्प प्राप्त हुआ है तथा उन्हें प्रखंड कार्यालय में जाने की बाध्यता नहीं रहेगी। गौरतलब हो कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के 13 विभागों की 66 सेवाएं प्रदान की जाती है। बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा, जानिए क्या होगा फायदा। देश में एकलौते राज्य बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा। एक महीने में कितनी और किस दिन बिजली खपत हुई उसमें पूरा ब्यौरा रहेगा। कंपनी की ओर से मिलने वाले इस सुविधा के कारण उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो सरकार या गैर सरकारी सेवा में है और जो कार्यरत संस्थान या विभागों से बिजली बिल की प्रतिपूर्ति लेते हैं। राज्य के सभी 1.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को चरणवार तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने हैं। अभी पटना के दर्जन भर मोहल्लों सहित राज्य के 2 दर्जन स्मार्ट प्रीपेड मीटर निशुल्क लगवाए जा रहे हैं। कंपनी ने अनुरोध किया है कि मीटर लगाते समय अपना मोबाइल नंबर और अगर हो तो ईमेल आईडी जरूर दे, जिससे उन्हें बिल भेजा जा सके। बड़ी खबर, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 से शुरू होगा एडमिशन। जी हां, राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड राउंड के तहत एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। फ्रेश एडमिशन लिस्ट बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद जारी करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो सकती है। एडमिशन को लेकर नई तिथि BCECB जल्द जारी कर देगी। इस प्रक्रिया के तहत स्टूडेंट को सेकंड लिस्ट में मार्क्स के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न ब्रांचों की सीट को आवंटित किया जाएगा। तकनीकी संस्थान संघ के स्टूडेंट ने जल्द एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। 20
किलो से अधिक कचरा निकला तो खुद निपटाए। जी हाँ, राज्य के जिन संस्थानों में 20 किलो से अधिक कचरा निकलता है, ऐसे संस्थानों को कचरा का खुद निपटारा करना होगा। इसके लिए कंपोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए निगम सख्ती से नियम का पालन कराएगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसे लेकर निगम तैयारी कर रहा है। इसे शीघ्र ही अमली जिला बनाया जाएगा। खासकर होटल, मॉल, रेस्टोरा आदि बड़े बड़े संस्थान में कचरा अधिक मात्रा में निकलता है। ये संस्थान अपना कचरा सड़क पर गिराते हैं। कभी कभी तो कचरा कलेक्शन करने वाले गाड़ियों के चले जाने के बाद ये कचरा जमा कर देते हैं। होटल बचे हुए खाने को भी सड़क पर जमा कर देते हैं। शहर में स्वच्छता को लेकर निगम ने बड़े बड़े संस्थानों को कचरे का निपटारा करने के लिए कहा है। बड़ी खबर, नीतीश बोले राज्य के 1,20,00,000 जीविका दीदियों का होगा बीमा, 10,00,000 स्वयं सहायता समूह बने, इसे और बढ़ाएं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश की 1,20,00,000 जीविका दीदियों के बीमा के लिए योजना बने। इन्हें जिला अस्पताल के कैंटीन में भोजन का मैनेजमेंट का जिम्मा दिया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जीविका प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के गठन से महिलाओं में जागृति आई है। जीविका दीदियों के आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने से परिवार की आमदनी बढ़ी है। इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन ढंग से किए जा रहे हैं। छोटे उद्यम में महिलाओं की भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा 10,00,000 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। महिलाओं को और प्रशिक्षित किया जाए जिससे उनकी भागीदारी छोटे उद्यम में बढ़े। नए साल में महंगाई का लगेगा जोरदार झटका। बिजली दर बढ़ाने के लिए कंपनी ने आयोग को दिया आवेदन। जी हां, बिहार वासियों को नए साल में महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली दर और फिक्स चार्ज में साल 2021-22 के लिए बढ़ोतरी का आवेदन बिहार विद्युत विनायक आयोग को दे दिया गया है। इस आवेदन में सामान्य बिजली दर में औसतन 9% और फिक्स चार्ज में 10% बढ़ोतरी की मांग रखी गई है। इस आवेदन पर आयोग जन सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में जन सुनवाई का समय निर्धारित किया जाएगा। आयोग के फैसले से जो बिजली दर तय होगा वह 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। फिलहाल कृषि कार्यों के लिए बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। बिजली कंपनी के सूत्रों के अनुसार राज्य में लगातार 2 साल 2019-20 और 2020-21 में बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। बिहार में इस साल पूरे होंगे सभी पर्यटन सर्किट। श्रम और पर्यटन मंत्री का दावा, रोजगार के भी बढ़ेंगे मौके। जी हां, श्रम संसाधन पर्यटन व खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि नए साल में सभी पर्यटन सर्किटों के काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता रोजगार का सृजन होगी। मंत्री जीवेश कुमार ने विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। पर्यटन और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में बने सभी पर्यटन सर्किट को इस साल पूर्ण कर लिया जाएगा। पर्यटन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराएंगे ताकि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिले। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के भुगतान प्रणाली को सिंगल विंडो किया जाएगा। बिहार में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का होगा मास्टर प्लान, विभाग ने शुरू की तैयारी। राज्य के शहरी निकायों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाने की तैयारी शुरू की गई है। राज्य में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले निकायों का मास्टर प्लान बनाया जाना है। नगर विकास व आवास विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार नए वर्ष में मार्च तक इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन शहरी निकायों को इससे फायदा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि नए वर्ष में नगर विकास व आवास विभाग कई महत्वपूर्ण कामों को शुरू करने जा रहा है। इससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 2,000 रुपए से अधिक दान करने पर मिलेगा इनकम टैक्स में छूट का लाभ। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर बिहार में निधि संग्रह का काम शुरू हो गया है। बिहार में इस अभियान को गति देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण तिथि समर्पण समिति का गठन किया गया है। यह पूरा अभियान जीयर स्वामी एवं अन्य संतों के निर्देश में गठित मार्ग
संसद समिति द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बिहार में 35,000 गांव और 1.5 करोड़ परिवार के साथ 7.5 करोड़ हिंदू भक्तों तक इस अभियान को पहुँचाया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए 10 रुपये, 100 रुपये और 1,000 रुपये की कूपन छपवाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि 2,000 रुपये से अधिक दान रसीद के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यह सहयोग देने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80G का लाभ मिलेगा। बिहार में रोजगार देने के लिए लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। 7 निश्चय योजना के तहत NDA सरकार के 20 लाख नए रोजगार सृजन को लेकर कई स्तर पर तैयारी आरंभ हो गई है। रोजगार सृजन को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शुक्रवार को कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रोजगार के सृजन जवाबदेही उद्योग विभाग के कंधों पर होगी। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूती से लागू किया जाएगा। साथ ही बियाडा के तहत भूमि बैंक बढ़ाने की कवायद भी तेजी की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए संबंधित विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी जोड़ा जाएगा। LPG की कीमत पर 100 रुपये की बढ़ोतरी पर अब भी मिल रही है पुरानी सब्सिडी। सूबे के 1,48,00,000 LPG ग्राहक पिछले 2 सप्ताह से दिसंबर माह की सब्सिडी को लेकर एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि एजेंसी के प्रबंधक भी सब्सिडी राशि को लेकर सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण आए दिन एजेंसी के प्रबंधक और ग्राहकों में वाद विवाद हो रहा है। ग्राहकों का कहना है कि LPG सिलेंडर की कीमत दिसंबर माह में 100 रुपये बढ़ गई, लेकिन अब भी पुरानी सब्सिडी ही मिल रही है। इंडियन गैस एजेंसी के एक प्रबंधक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सरकार दिसंबर माह में 100 रुपये दाम बढ़ा चुकी है, लेकिन अब तक सरकार सब्सिडी राशि को रिफ्रेश नहीं की है। ग्राहकों को भी अभी पुरानी सब्सिडी 79 रुपये ही पहुंच रही है। बढ़ी हुई सब्सिडी राशि की जानकारी के लिए हर दिन 100 से अधिक ग्राहक पहुँच रहे हैं। नए साल में मिली सौगात, गोपालगंज में एलिवेटेड कॉरिडोर का रास्ता साफ, मार्च से शुरू होगा काम। गोपालगंज के शहरवासियों को नए साल में नए एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलेगी। जनवरी में NHI एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगा और मार्च में काम चालू हो जाएगा। दिल्ली से गुवाहाटी तक जोड़ने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH 28 पर बंजारी से लेकर हाजियापुर तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी गोपालगंज के सांसद को दी है। बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, पूरे देश में निशुल्क लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दरियागंज में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शनिवार की सुबह शुरू हो गया। इसके अलावा दिल्ली के द्वारका स्थित वेंकटेश्वर हॉस्पिटल और GTB अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन GTB अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना वैक्सीन जैसे दिल्ली में फ्री होगा, क्या वैसे ही सभी राज्य में फ्री होगा? सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में फ्री होगा। मालूम हो कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 116 जिले में 259 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है। उन्होंने कहा, देश के लोगों को मेरी अपील है कि वो किसी भी अफवाहों में ना जाए। भारत की सरकार देश के लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का विकास उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और अंत में चलिए बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 397 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,53,652 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,162 कोरोना के एक्टिव मरीज है। दूसरी ओर सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 219 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से जान चली गई है और राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि मात्र 24 घंटे के भीतर 404 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। और हमेशा की तरह आज के लिए आपका सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।